करने के लिए आ रहे हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी का। तो इसमें हम लोगों ने अभी क्वेश्चन लिख लिया है, तो इनिशियल पहले हम डेटा बनाएंगे, क्वेश्चन क्या होगा साथ साथ हम स्टडी कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है HCl की, मोलैरिटी को जाहिर करते हैं कैपिटल एक्स, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ HCl सॉल्यूशन इफ 100 ग्राम्स ऑफ HCl, इट मींस दैट मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफसॉल्यूट मतलब HCl कितना है 100 ग्राम्स ऑफ HCl डिसॉल्वड इन 750 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो ml किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना 750 ml। तो आई रिपीट इट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इफ 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज HCl डिसॉल्व इन 750 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मास और मोलैरिटी का रिलेशनशिप हम लोग डिवेलप कर चुके थे, हम जानते हैं यू नो दैट मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मुला मास इनटू अगर गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट का एमएल में है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से, इक्वेशन नंबर 1। मास ऑफ सॉल्यूट, मास गिवन है 100 ग्राम्स, वॉल्यूम गिवन है 750। पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है HCl का, उसके लिए एटॉमिक मास इज गिवन होंगे हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5। तो पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl विल बी हाइड्रोजन 1 मास एटम भी 1 प्लस 35.5 मास 1 एटम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl विल बी 36.5 amu। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू मास एंड वेट ग्राम्स 1000 कांस्टेंट वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया हमने 36.5 एंड वॉल्यूम बिकम्स 750। नाउ द फाइनल रिजल्ट मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन विल बिकम्स कैपिटल M, इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट कीजिएगा कितना आए, इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। अच्छा भाई ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर कितना है 3.7 मोलर। तो अगर हमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा और वॉल्यूम किसमें है ml के अंदर, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर।